हेलो फ्रेंड्स, क्या आपने नया स्मार्टफोन लिया है? नया स्मार्टफोन लेने का सोच रहे हो? डोंट वरी दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगा कि नया स्मार्टफोन लेने के बाद कौन कौन से ऐसे सेटिंग्स हैं जो आपको ऑन करने होते हैं और कौन सी ऐसी कुछ हिडन ट्रिक्स है जो आपको काफ़ी आगे आगे काम आने वाले हैं। दोस्तों तो वीडियो से जुड़े रहिए, यही टॉपिक के बारे में आज हम बात करने वाले। नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल वीडियोस पर में आपका दिल से स्वागत है। दोस्तों आज हम बात करने वाले कि अगर आपने नया स्मार्टफोन परचेस कर लिया है दोस्तों, तो उसके बाद क्या आपको ऐसी कौन सी सेटिंग्स है जो ऑन करनी होती है। और एक मोस्ट कॉमन थिंकिंग लोगों को आती है कि जब भी बॉक्स में से हमने फ़ोन निकाला, उससे सबसे पहला हमें एक ही चीज़ याद आती है। आई नो दोस्तों, काफ़ी सारे आंसर आएंगे अगर मैं क्वेश्चन करूँगा, बट मोस्ट कॉमन आंसर होगा वो है डाटा ट्रांसफ़र। जी हाँ, कैसे करें, किसको बोलूँ? अरे कुछ नहीं करना है दोस्तों, सिंपल है। अभी COVID-19 की वजह से आपको होम डिलीवरी मिल रही है, बाकी तो आपको स्टोर से ही पूरा आपको सर्विस मिल जाता है कि कैसे आपको डाउन डेटा ट्रांसफ़र करना है, वो सब बंदा आपको करके देता है। बट इन दिस सिचुएशन वो खाली डिलीवरी प्रोवाइड करवा रहा है, तो दोस्तों उस टाइम पे आपको कुछ नहीं करना है। नॉर्मली आपको अनबॉक्सिंग करना है, फ़ोन को स्टार्ट कर देना है, एंड देन जो भी ब्रांड का फ़ोन है उसके अंदर खुद का इनबिल्ट सॉफ्टवेयर रहता है डेटा ट्रांसफ़र का। जी हाँ दोस्तों, अभी ये जितने भी ब्रांड के फ़ोन है ना, हर एक कंपनी का पर्टिकुलर एक एप्लीकेशन है डेटा ट्रांसफ़र के लिए। आपको वही सेम टू सेम एप्लीकेशन को पुराने फ़ोन में भी डाउनलोड कर देना है, पुराने फ़ोन में सेंड और नए फ़ोन में रिसीव, और कंटेंट जो भी चाहिए वो सिलेक्ट करके इजीली आप डेटा ट्रांसफ़र कर सकते हो दोस्तों। तो ज़्यादा हेजिटेट और परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। और WhatsApp बैकअप लेने के लिए WhatsApp चैट बैकअप में जाके आप Google Drive पे बैकअप ले सकते हो, और वही बैकअप आप वापस Gmail ID पासवर्ड से रिस्टोर कर सकते हो नए स्मार्टफोन में। तो दोस्तों कैसा है, एकदम ईजी है, कुछ ज़्यादा इसमें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है दोस्तों। उसके बाद का पॉइंट बात करते हैं दोस्तों, डेटा ट्रांसफ़र हो गया। अभी डेटा ट्रांसफ़र के बाद आपको क्या करना है कि आपके नए स्मार्टफोन में आपको Google का ID और पासवर्ड लगा के Gmail ऑन कर देना है, एंड देन सेटिंग में जाके सिंक्रोनाइजिंग को, हर एक सिंक्रोनाइजिंग का ऑप्शन को ऑन कर देना। उससे बेनिफिट ये है कि अगर इन फ्यूचर आपका फ़ोन ख़राब हो जाता है या कहीं गुम हो जाता है, तो आप जब भी दूसरे स्मार्टफोन में आप जैसे ही आपका Gmail ID पासवर्ड एंटर करते हो ना, रजिस्टर करोगे ना, तो वहाँ पे ऑटोमेटिकली आपके कॉन्टेक्स्ट है, फोटोज़, वो सब आ जाएगा। इससे बेनिफिट यही है कि अप टू डेट है ना, आपका डेटा Gmail पे स्टोर होता रहेगा अगर आपने सिंक्रोनाइजिंग ऑन किया है तो। उसके बाद दोस्तों आप फ़ोन के ऊपर टैम्पर्ड लगवा लीजिए, कवर लगवा लीजिए, और कवर तो खास ज़रूरी है, बिकॉज कवर से लगाने से फ़ायदा है कि अगर आप 5 दिन तक विदाउट कवर यूज़ करोगे ना, फ़ोन के बैक साइड इतनी गंदी हो जाएगी ना दोस्तों, स्क्रैचेस हो जाएंगे, और आपको ऐसा लगेगा कि यार मैंने नया स्मार्टफोन लिया था, ऐसा हो गया। सो बेटर है कि आप कवर लगवा लीजिए, और एक ग्रिप भी बना रहेगा फ़ोन में। अगर आपने कवर यूज़ किया ना, तो एक आपको कंफर्टेबल ग्रिप भी मिलेगा और यूज़ करने में काफ़ी कन्वीनियंट रहेगा दोस्त। फ्रेंड्स, आप मेरे चैनल पर नया हो गया तो अभी तक आपने सब्सक्राइब क्यों नहीं किया दोस्तों, नीचे सब्सक्राइब बटन पर क्लिक कर दीजिए और बेल आइकन पर प्रेस कर दीजिए, ताकि ऐसे ही वीडियो आपको सबसे पहले मिलते रहे। सेटिंग्स हमने सब ऑन कर दी, सब डेटा ट्रांसफ़र हो गया। अब दोस्तों सपोज़ मान लीजिए आपके हाथ से फ़ोन गिरता रहता है, आपके घर में किड्स है, चाइल्ड है, या तो आपका यूज़ काफ़ी रफ है मोबाइल यूज़ करने में, बार बार आप गिरा देते हो फ़ोन को, तो दोस्तों मैं एक सजेशन दूंगा कि आपने नया स्मार्टफोन लेते हो तो अभी है ना, एक नॉर्मली अमाउंट पे करना होता है इंश्योरेंस के लिए, ठीक है। आप नॉर्मल अमाउंट पे करके इंश्योरेंस करवा लीजिए, ताकि एक साल के अंदर आपका फ़ोन अगर टूट जाए, कुछ भी हो जाए, पानी में चला जाए, तो आपका फ़ोन है ना पूरा सेफ एंड सिक्योर हो जाएगा। अगर यहाँ पे अभी आप नॉर्मल अमाउंट पे देके इंश्योरेंस करवा सकते हो, उससे आपका आने वाले खर्चे से आप बच सकते हो। अगर मान लीजिए आपने नहीं करवाया है, तो आपको काफ़ी एक्सपेंस हो जाएगा, लाइक आज नॉर्मल डिस्प्ले भी 4 से 5 हज़ार रुपये की आती है, तो दोस्तों ये करवाना भी काफ़ी ज़रूरी है। दोस्तों अब बात करते हैं हमारे स्मार्टफोन की बैटरी के बारे में। सबसे यूज़फुल होने वाली चीज़ वो होती है अपनी बैटरी, जिससे हमारा पूरा फ़ोन पूरा दिन हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम चालू रहता है। तो दोस्तों मैं आपको एक सजेशन दूंगा कि अगर आपने नया स्मार्टफोन लिया है, और आप क्या करो कि जितना भी बैटरी आया हुआ है इनबिल्ट, जितना भी मतलब चार्ज था, उसको आप है ना 5 to 10% जितना भी ड्रेन हुआ ना, तब तक यूज़ कर लीजिए। फिर आप है ना 0 से 100% चार्ज कीजिए, ठीक है, आधे में मत छोड़ दीजिए, 0 से 100% चार्ज कर दीजिए। ऐसे आप कुछ दिनों तक करते रहिए, और आप ट्राई कीजिए कि आपका फ़ोन जब भी 10 to 20% बैटरी पे आ जाए ना, तभी आप फ़ोन को चार्ज में लगाए, तब तक आप फ़ोन को यूज़ कीजिए। ऐसा नहीं कि भाई 50 या 60% बैटरी है तो आप चार्ज लगा दो, उससे क्या होगा, आपकी साइकिल ख़राब होगी बैटरी की, और आगे जाके आपको ड्रेन इश्यू और बैटरी के इश्यूज़ आएंगे। अगर आपको बैटरी लॉन्ग लाइफ तक चलानी है, लॉन्ग टर्म का चलानी है दोस्तों, तो ये एक बार आप ट्राई करके देखना दोस्तों, गारंटी है आपको काफ़ी यूज़फुल होगा। सिंपली कुछ नहीं करना है, 0 to 100% चार्ज करना है, और जब तक बैटरी आपकी 10 से 20% नहीं होती है, तब तक आपको चार्ज में नहीं लगाना है, उससे आपकी बैटरी काफ़ी लॉन्ग लाइफ तक जाएगी। इससे क्या होता है पता है, कि एक साइकिल एक क्रिएट हो जाती है, बैटरी को पता चल जाता है कि इस तरीके से इसको वर्क करना है। तो और काफ़ी ऐसे यूज़र्स भी है जिसकी कंप्लेन आती है कि मैंने तो अभी 1 महीने पहले फ़ोन लिया, मेरे फ़ोन की बैटरी नहीं चल रही है। बैटरी नहीं चल रही है बिकॉज उसकी ही वजह से, कि वो उसको ओवरनाइट चार्ज करता रहता है, या उसको बार बार चार्जिंग में लगाएगा, उससे साइकिल ख़राब हो जाती है।
दोस्तों वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक बटन पे प्रेस कर दीजिए ताकि मुझे पता चले कि ये वीडियो आपके लिए कितना यूजफुल था, और कमेंट सेशन में भी ज़रूर कमेंट करते रहिए कि आपको कौन सा पार्ट इसमें सबसे बेस्ट लगा। अब दोस्तों आप अपने फ़ोन में हर एक चीज़ कर चुके हो, अभी सबसे पहले चीज़ करनी है कि आपको ना ही WhatsApp डाउनलोड करना है, ना ही Facebook, ना ही Twitter, ना ही Insta, आपको कोई भी एप्लीकेशन डाउनलोड नहीं। सबसे पहले एप्लीकेशन डाउनलोड करनी है वो है Find My Device ऐप। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि जब भी आपका फ़ोन गुम हो जाएगा ना तब यही एप्लीकेशन आपको काम आने वाली है। आप नॉर्मल कहीं भूल भी जाते हो ना फिर भी यही एप्लीकेशन से आप इसको सर्च कर सकते हो दोस्तों। तो और इसको कैसे आपको सेटअप करना है, कैसे ऑन करना है, इनका ऑलरेडी मैंने एक वीडियो बना रखा है, तो मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन लिंक में इसका लिंक भी दिया हुआ है, तो वहाँ से आप क्लिक करके इसका पूरा सेटअप प्रोसेस देख लीजिए कि अगर आपका फ़ोन कहीं गुम हो जाते हैं, कहीं आप भूल जाते हो तो उसको कैसे ट्रैक करके ढूंढ सकते हो दोस्तों। दोस्तों हर एक चीज़ हमने ऑलमोस्ट कर ली है, अभी हमें क्या करना है दोस्तों कि नया स्मार्टफोन को 6 से 7 दिन तक आप कंटिन्यू यूज़ कीजिए, मतलब हर एक एंगल से यूज़ कीजिए, मतलब कि आपको ऐसा लग रहा है कि फ़ोन हीट हो रहा है, फ़ोन हैंग हो रहा है, एक्स वाई जेड, आप यूज़ कीजिए, कहीं पे स्क्रैचेस नहीं है, कोई फ़ोन में कुछ ख़राबी नहीं है, या कहीं कोई एप्लीकेशन प्रॉपर वर्क नहीं कर रही है, फ़ोन थोड़ा सा लैग हो रहा है, टाइपिंग इश्यू हो रहा है, कैमरा इश्यू हो रहा है, हर एक तरीके से आप फ़ोन को चेक कर लीजिए। अगर आपको 7 से 10 दिन के अंदर कुछ भी प्रॉब्लम लगता है तो दोस्तों तुरंत आप वही ब्रांड के सर्विस स्टेशन पर जाके उसका रिजोल्यूशन लीजिए। तो अभी आपको क्या करना है कि लेट्स चेक कि आपके फ़ोन में, नए स्मार्टफोन में क्या है कि हर एक ब्रांड में अलग अलग प्रीलोडेड एप्लीकेशंस इंस्टॉल रहती है। तो दोस्तों आप क्या कीजिए कि वहाँ पे देखिए कि कितनी एप्लीकेशंस वहाँ पे दी हुई है, उसमें से आपकी नीडफुल और यूज़फुल हो वो आप रखिए, अदरवाइज़ बाकी अननेसेसरी एप्लीकेशंस को आप डिलीट कर दीजिए, उससे आपका रैम और आपका स्टोरेज है ना ऑलमोस्ट फ्री रहेगा। दोस्तों वीडियो का लास्ट पार्ट है कि अगर आपको कोई ब्रांड का आपने फ़ोन परचेस के लिए आपको उसकी यूआई समझ में नहीं आ रही है, मान लीजिए आपको उसका यूज़र इंटरफेस नहीं पसंद आ रहा है या आपको कंफर्टेबल नहीं है, तो आप थर्ड पार्टी एप्लीकेशन काफ़ी सारी है, जैसे नोवा लॉन्चर है, ऐसी काफ़ी सारी, मैं एग्जांपल पे नोवा ले रहा हूँ, वैसे तो काफ़ी सारी लॉन्चर्स है जहाँ पे आपको एक आप मनचाही यूआई यूज़ कर सकते हो दोस्तों। और दोस्तों वीडियो अच्छा लग रहा है तो आप मुझे कमेंट सेशन में ज़रूर बताइए, और लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूले। तब तक के लिए दोस्तों स्टे ट्यून्ड।